हम अभी आपकी रैगिंग करें तो हम आपका सर फाड़ देंगे। हमारे सीनियर्स का है, वो मिल ही नहीं रहे, कोई रैग ही कर दे हमें। आलो मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया। को इंटरेस्ट है इस चीज में? हम आपकी अभी रैगिंग करें तो कुछ नहीं कर ले। और ये हो रही है रैगिंग। अस्सलामुअलैकुम, ओपिनियन पीके की जानब से मैं हूँ आदिल हुसैन मुगल, और हमेशा की तरह मैं हूँ साद अखलाक अब्बासी। आज हम एयर यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं और एयर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से पूछेंगे कि उनका पहला दिन खास करके कैसा गुजर रहा है, रैगिंग वगैरह तो नहीं हो रही, बाकी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछेंगे तो चलें हमारे साथ चलें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? उस्मान। जैन। सैद। जुहैर। मेरा नाम मरियम शेर है, मैं बीबीए से हूँ। महामकार बीबीए। मेरा नाम अनोश है, मैं इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स, और 8th सेमेस्टर। मेरा नाम उस्मान है, डिपार्टमेंट बीएस सॉफ्टवेयर। सादिया। रानिया। अच्छा महम और मरियम, आपका आज फर्स्ट डे है तो कैसा लग रहा है, कैसा फील हो रहा है पहले दिन यूनि आके? अच्छा लग रहा है, अच्छी यूनिवर्सिटी है। या सॉर्ट ऑफ गुड यूनिवर्सिटी, पता नहीं, कुछ लग तो नहीं रहा अभी, वैसे ही लग रहा है। तो सोचा हुआ था वैसा कुछ नहीं लग रहा। क्या सोच के आई थी आप? कि पढ़ाई होगी और इंजॉयमेंट होगी, बहुत कुछ होगा, एक ड्रीम, एक माइंड सेट बना के आए थे, लेकिन अभी तक वैसा कुछ नहीं हुआ। नहीं, फर्स्ट डे में तो सारा कुछ तो नहीं होता भाई, आपके साथ चार साल में ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, तो अभी से ही दिल तोड़ दिया? नहीं नहीं, दिल नहीं तोड़ा, लेकिन वो एक माइंड सेट होता है ना बंदे का कि ये चीज़ अचीव करना होता है, ये वैसा अभी तक नहीं लगा। होपिंग फॉर द बेस्ट। काफ़ी अच्छा लग रहा है, जैसा सुना था वैसा तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन अच्छी यूनिवर्सिटी है। अच्छा, आपने क्या क्या सुना था और क्या नहीं है? मैंने सुना था कि लाइक यहाँ का माहौल काफ़ी ख़राब है, और मतलब ये उस तरह नहीं है, लेकिन यहाँ पे काफ़ी आके बिल्कुल ठीक है, वैसा कुछ भी नहीं है जैसे बाकी सब कह रहे हैं कि मतलब वैसे ख़राब यूनिवर्सिटी है, काफ़ी अच्छी है। लोग बुरे हैं? हाँ, लोग बुरे हैं, और इस तरह लोग तो काफ़ी अच्छे हैं। फर्स्ट डे था, लेकिन फ्रेंड्स में काफ़ी अच्छे मिल गए हैं, और अच्छा जा रहा है। रैगिंग हुई आपकी, रैगिंग वगैरह या कुछ? नहीं हुई, बिल्कुल भी नहीं। बच्चों की हो रही थी, हमारी तो नहीं हुई। हमारी नहीं, हम बच गए। अगर हम अभी आपकी रैगिंग करें तो हम आपका सर फाड़ देंगे। हम डबल रैगिंग कर लेंगे। डॉन है आप यहाँ की? नहीं है ना, चलो अब इनकी रैगिंग पक्की है। अपनी क्लास की डॉन है, मतलब हम यूनिवर्सिटी के डॉन है, तो इनकी रैगिंग करेंगे। तो फर्स्ट डे आप कैसे जानेंगे हमको? फर्स्ट डे में थोड़ा ही जान पहचान होती है, आगे आप जान जाएंगे। तो एंड में आप कोई मैसेज देना चाहें जो आना चाहते हैं या जो भी? हाँ, ट्राई करनी चाहिए नई चीज़ें, आए चेक करेंगे यहाँ पे आप। अच्छा, आप कुछ मैसेज देना चाहेंगी? आना चाहिए, मतलब अभी तो फर्स्ट सेमेस्टर है हमारा, हमें खुद इतना वो नहीं है आइडिया, बट यूनिवर्सिटी मतलब सही नॉर्मल है। हमारे सीनियर्स का है, वो मिल ही नहीं रहे, कोई रैग ही कर दे हमें। नहीं, आपको रैग वगैरह कुछ नहीं हुआ? नहीं, कुछ नहीं हुआ। आपको इंटरेस्ट है इस चीज़ में? अच्छा चले, फिर हम इंटरव्यू के बाद आपको सीनियर से मिलाते हैं। फिर कोई एडवेंचर हो, कोई न्यू एक्सपीरियंस हो। नहीं, कैसा एडवेंचर चाह रहे हो? अच्छा, आप लोगों की एयर यूनिवर्सिटी से क्या एक्सपेक्टेशन थी और यहाँ पर आने का मकसद क्या था? हम तो मेडिकल के स्टूडेंट थे, तो सेकंड ऑप्शन जो था वो साइकोलॉजी रखा हुआ था, तो इसीलिए यहाँ पे आए। अच्छा, यहाँ पर साइकोलॉजी में आए आप? हाँ। तो इसके अलावा और भी यूनिवर्सिटीज थी, तो यहाँ पर आने का क्या रीज़न? मेडिकल के बाद फ़ौरन से जहाँ एडमिशन मिला हम आगे बस। अच्छा, आप क्यों आए यहाँ? पता नहीं, सबसे पहले इसी में मिला था एडमिशन। अभी तक इंटरेक्शन हुई किसी सीनियर के साथ? नहीं ना, वही तो कह रही हूँ कि कोई रैग नहीं कर रहा। अच्छा, हम सीनियर को बुलाएं यहाँ पर? क्या रैग करने आएंगे? हम सीनियर को बुलाते हैं। अच्छा जी, ये अच्छा जी, ये सीनियर आगे इनसे पूछते हैं, यार अभी तक हमें शिकायतें ये मिल रही हैं कि आप लोगों ने जूनियर्स को पूछा नहीं है, क्या कहेंगे? यार हम क्या करें, हमें ना रहम आता है इन बिचारों पे ना। क्या रहमत है यार, जब हम आए थे ना तो लोगों ने हमारी करवाई थी, हम सोचे कि बाकी बच्चों के ना करें, जज्बात ना हर्ट होते नहीं, लेकिन जब हम
चाह रहे हैं तो हमारी कर दे। चलो अच्छा चलो ठीक है, ऑन कैमरा आप इनकी रैगिंग करें, कैसे करेंगे? होगा ना जज्बात। मैं ये कहूँगा कि फिर इधर सीनियर्स में वो स्पार्क नहीं है मतलब स्पार्क नहीं है। अब लास्ट पे कुछ मैसेज देना चाहें किसको? स्टूडेंट्स को, यूनिवर्सिटीज को या आने वाले स्टूडेंट्स को? नहीं आओ या यूनिवर्सिटी में तो ना आओ, ये मैं तो बताना। अगर हम आपकी अभी रैगिंग करें तो कुछ नहीं कर ले। देखिए कितने जो नए स्टूडेंट्स हैं कितने ओबीडियंट हैं, कितने अच्छे हैं, कह रहे हैं कर ले रैगिंग। तो अभी हम सीनियर को बुलाते हैं, इनको कोई टास्क देते हैं, कोई बहुत ज़्यादा हार्ड वाली रैगिंग नहीं करेंगे, सिर्फ एक छोटा सा टास्क देंगे। ताहिर भाई इधर हैं, तो आप लोग इसको क्या डेयर देना चाहेंगे? मतलब हम रैगिंग कर रहे हैं लेकिन हम कोई अच्छा सा डेयर देंगे ताकि इनकी भी डिसरिस्पेक्ट ना हो और मतलब हर्ट ना हो। ये काम ना मैं सिमरा पप्पो को देना चाहता हूँ, ये काम उसका है। ऐसा कैसा डेयर दें हम आपको? देखें इन्होंने आपको पप्पो बुलाया, आप इनको कुछ नहीं कहेंगे? इनको तो मैं छोड़ूंगी नहीं, इनको मैं बाद में बताऊँगी। अच्छा हर कोई डेयर दे दे ये करेंगे कम्प्लीट, करेंगी ना जी? कोई इश्यू तो नहीं है ना? नहीं नहीं, आपने उन लड़कियों को जाके ना गुस्से से उनसे पूछना है कि आपका नाम क्या, आप किस डिपार्टमेंट की हैं और मैं आपकी सीनियर हूँ, मैं आपकी रैगिंग करूँगी। कर लेंगी, इतना कर लेंगी, कर लूँगी। अच्छा चले हम सिर्फ दिखाएंगे आपको, मतलब चले आप जो है अभी रैगिंग हो रही है, अभी हो रही है रैगिंग, तो अगर तो उन्होंने परमिशन दी तो ये वीडियो अपलोड करेंगे, नहीं तो नहीं कर सकते, नहीं रिकॉर्ड करना है, नहीं तो ब्लर कर देंगे और समझ रहे हैं पूरा ब्लर कर देंगे। और ये हो रही है रैगिंग, कभी नहीं किया, इसमें तरस आ रही है यार। आ जाए इधर आ जाए। हाँ तो कैसा लगा आपने डेयर कंप्लीट किया? अच्छा लगा। आप बताएं। बस सही किया, बच्ची बेचारी डरी हुई है अभी। ओके जी, एयर यूनिवर्सिटी में हमें मिल गए फनाकार और कलाकार गिटारिस्ट। मैंने सुना था एयर यूनिवर्सिटी में सारे पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, यहाँ पर गिटारिस्ट भी होते हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? पढ़ने वाला तो आपने गलत सुना है। अच्छा यहाँ पर पढ़ने वाले नहीं होते क्या? पढ़ने वाले थोड़े बहुत होंगे लेकिन बाकी सारे टाइम पास करने आए हुए हैं। ओके आपका कौन सा सेमेस्टर चल रहा है? मेरा 4 चल रहा है BBA। अभी कुछ नए बच्चे आए हैं उनके उनसे इंटरेक्शन हुई है कुछ? हमारा हाइब्रिड सीन है, असल में हम ट्यूसडे और थर्सडे को आते हैं और वो नए बच्चे मंडे वेनसडे और फ्राइडे को आते हैं। अच्छा अभी हाइब्रिड चल रहा है यहाँ पर, तो ये बजा सकते हैं इसको? बजा लेते हैं। अच्छा बजाएं ना थोड़ा सा, हम सुनना चाह रहे हैं आपसे। सुनेंगे, सुना देते हैं। हाँ सुनाएं। मैं उर्दू बजाता हूँ। गुलाबी आंखें। ओके गुलाबी आंखें जो तेरी देखी शराबी ये दिल हो गया, संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया। ओ अब तेरे तस्वीर जैसे हो दीवार पे, तुझ पे फिदा मैं क्यों हुआ, आता है गुस्सा मुझे प्यार पे। मैं लुट गया मान के दिल का कहा, मैं कहीं का ना रहा, क्या कहूँ दिलरुबा, जरा सा हंस के जो देखा तूने मैं तेरा बिस्मिल हो गया। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी शराबी ये दिल हो गया। तो मैं यही कहूँगा कि यार ये भाई बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, क्योंकि मैंने खुद गिटार सीखना शुरू किया था लेकिन मैं आज तक सीख नहीं पाया। तो जो बंदा गिटार बजा रहा होता है ना उसकी कदर किया करें, ये ना कहा करें यूनिवर्सिटी में गई है क्या। अरे अच्छा यार देखो ये लाजमी नहीं है, देखो मैंने यही सुना था कि एयर के बच्चे पढ़ते हैं सिर्फ, यहाँ पर टैलेंट भी होता है और अपने टैलेंट को आप किसी जगह पर भी पहुँच कर सकते हैं, ठीक है, सिर्फ स्टडी पर ना दें, इन एक्टिविटीज़ में भी रहें। तो आप लास्ट पर क्या मैसेज देना चाहेंगे जूनियर्स को?
मैं जूनियर्स को ये मैसेज देना चाहूँगा कि पढ़ने आए हो तो पढ़ो, बाकी काम छोड़ो, उनमें फ़ायदा नहीं है। और इसके अलावा बस मैं यही चाहता हूँ सबका अच्छा टाइम गुजरे, इधर चार साल हैं तो अच्छे ही गुजरे। चार साल पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, नहीं पढ़ेंगे तो। अच्छा, रैगिंग शैगिंग की है कुछ? हाँ, रैगिंग की है और करवाई भी है 2-3 दफ़ा। ओके जी, आपसे ये फनकार मिले थे तो अभी किसी और से जाके बात करते हैं। अच्छा अनुष, आज जो नए जूनियर्स आए हैं उनके बारे में आपका क्या क्या ख्याल है, कैसे हैं वो, चिल हैं या वो किसी को मुंह ही नहीं लगाते? हमारे टाइम पे तो हम लोग बहुत मतलब सीरियस थे, लेकिन हाँ, लेकिन अब जो जूनियर्स आए हैं मतलब वो बहुत ज़्यादा चिल हैं और ये अच्छी बात है, थोड़े लेट बैक हैं। इतना यूनिवर्सिटी के जो चार साल होते हैं उसमें आपको मतलब ज़्यादा इन्जॉय करना चाहिए, स्टडीज़ को भी फोकस करना चाहिए, लेकिन इतना ज़्यादा स्टडीज़ को भी मतलब यू नो इतना उन पर फोकस नहीं, जस्ट मैनेज इट विद योर बाकी एक्टिविटीज़। ओके, तो जूनियर से आपकी कोई इंटरेक्शन वगैरह हुई है या अभी तक किसी जूनियर से बात नहीं? नहीं, हम लोगों ने तो कोई रैगिंग वगैरह कोई ऐसा सीन भी नहीं किया, तो हम लोगों को कोई इंटरेक्शन है ही नहीं हमारा जूनियर। तो क्या आप सोच रहे हैं अभी रैगिंग करने की या नहीं करेंगे आप? अच्छे तो, सीनियर हैं। अब तो हम लोग पास आउट होने लगे तो अब तो आई डोंट थिंक कि रैगिंग का कोई यू नो टाइम बचता है हमारे पास। इससे पहले कभी आपने जूनियर्स की रैगिंग की है, आपको कुछ याद हो? नहीं, हमारे टाइम पे पता है ऑनलाइन हो गया था सारा सिस्टम, तो हम लोगों को इतना टाइम ही नहीं मिला कि हम किसी के साथ इंटरेक्ट करें या रैगिंग वगैरह करें। तो चलें, कोई नहीं, आप मास्टर्स करेंगी तो तब आप किसी से इंटरेक्ट कर लेना, रैगिंग वगैरह भी कर लेना इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। और जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको कोई मैसेज देना चाहें आप? यही मैसेज देना चाहूँगी कि अपने क्लासेस वगैरह जो हैं उनको भी सीरियस लें, लेकिन अपने बाकी एक्टिविटीज़ जो होती हैं घूमना फिरना इन्जॉय करें, उस दोनों चीज़ों को मैनेज करके चलें, तो इंजीनियरिंग इज़ नॉट हार्ड, इट्स ईजी, यूनिवर्सिटी लाइफ इज़ नॉट हार्ड। ओके सर, ओके, थैंक यू मैडम। अच्छा मेरे भाई, बात ऐसी थी ना, ये पूछनी थी कि यार सबसे पहले तो सुनने में आ रहा है ना कि यार यूनिवर्सिटी का जो स्पोर्ट्स है ना या स्पोर्ट्स ऑफिस वो सही नहीं है, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? यार स्पोर्ट्स वगैरह कभी ट्राई नहीं किया असल में, जब जैसे यहाँ से कोई खेल होता है उसे छिक्का मांग लेते हैं हम लोग और बस खेल लेते हैं। कभी भी नहीं खेला? कभी मांगने भी नहीं गए कुछ चीज़ भी? नहीं, मांगने नहीं गए कभी भी। इसके बाद यहाँ का स्टाफ कैसा है, मतलब एयर यूनिवर्सिटी का स्टाफ? हाँ, फैकल्टी तो यार बहुत अच्छी है यहाँ की एयर यूनिवर्सिटी की ना, सारे कोऑपरेटिव टीचर्स हैं, बात सुनते हैं आपकी, और अगर ना समझ आए तो आप उनके ऑफिस में भी जाके समझ सकते हैं उनसे, सारा ईजी सीन्स है। और साथ में ये पूछा यहाँ की ना एडमिनिस्ट्रेशन क्या कह रहे, GPA वगैरह मतलब कैसी आती, नॉर्मल है या? यार GPA जोन सा GPA का सीन है वो तो बड़ा टाइट सीन है। अच्छा। GPA ये रो रो के देते हैं और हम भी रो रो के लेते हैं। तुम्हारी कितनी थी? मेरा तो 2.68 है। ये सच्ची बता रहे हो या झूठ बता रहे हो? सही बात है 2.68। अच्छा, और आखिर में बाकी कोई मैसेज वगैरह? मैसेज वगैरह यार यही है कि बस एयर यूनिवर्सिटी नहीं आना आप लोगों ने, ठीक है, पहले जाने मैं आप लोगों को सबसे ईजी सीन्स बताता हूँ। एयर यूनिवर्सिटी में एडमिशन का राज बताने लगा हूँ आज मैं आप लोगों को, एयर यूनिवर्सिटी में एडमिशन ना मिले अगर तो बिल्कुल भी आप लोगों ने डिसहार्ट नहीं होना, ठीक है, रिफा में चले जाना आपने, और वो रिफा वाले ना सबको एडमिशन दे देते हैं, बहुत सही बंदे, मुझे भी वहाँ से उन्होंने दे दिया था एडमिशन, और वहाँ से अच्छा सा GPA लो, GPA भी खुला खुला देते हैं ऐसे सही, माशाल्लाह ना बहुत ही अच्छे बंदे हैं वो लोग, GPA भी देंगे आपको, और उसके बाद आप वहाँ से माइग्रेट होके इधर आ जाओ और बस फिर एयर में याशी करो फुल। सही। और कुछ या और मतलब बस यही मेरे लिए कंडे वाला बर्गर। अच्छा एक और बात पूछी थी, यहाँ कोई बच्ची पसाई है अभी तक या सिंगर ही पहन रहे हो? यार बच्चियाँ असल में ना कोई भी लिफ्ट शिफ्ट नहीं करवाती बिल्कुल भी, बड़ी मुश्किल से ही कोई गलती से देख ले, और बस रोज़ हम अपना ना वो एयर कन्फेशन पेज चेक करते हैं कि शायद हमारी भी कोई कन्फेशन आई। कभी किसी ने ट्राई नहीं करा, अप्रोच नहीं किया कभी किसी ने भी? किसी ने अप्रोच नहीं किया, हमें ही करना पड़ता है भाई हमेशा पहले, और फिर रिजेक्ट हो जाते हैं, ये बात है। चलो यार हम दुआ करेंगे आपको कोई अच्छी सी बच्ची मिले, हेयर कोई खूबसूरत ना नॉर्मल हो। और कुछ एयर के बारे में लास्ट ऑप्शन कुछ बोलना हो? एयर में ये है कि काफ़ी अच्छी इन्वायरमेंट है माशाल्लाह, नज़र आ जी नज़र आ FMC के बारे में कुछ बोलना है वहाँ उस, क्योंकि मैंने जब देखा ना FMC वालों से बिल्कुल मुझे बहुत ज़्यादा शिकायत है, ये लोग ना बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलते भाई, कभी नज़र ही नहीं आते ये लोग, ठीक है, कभी बस आज ही अभी छुट्टी हुई है इनकी तो ये लोग जा रहे हैं घर को, नहीं तो FMC वाले बाहर निकलते ही नहीं है बिल्कुल। चलो सर, थैंक यू उस्मान भाई, हम आपके लिए दुआ करेंगे आपको कोई बच्ची मिले। ओके, अल्लाह हाफिज़।